हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्राई एच के बारे में। यह टॉपिक है डिजास्टर के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, या फिर कह सकते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है या फिर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है फर्स्ट, उससे रिगार्डिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि कोई डिजास्टर होती है, जैसे कि कोई आपदा होती है, सुनामी हो गई इस तरीके से, तो उसमें कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के टाइम, कोई भी सुनामी हो गई, कोई भी आपदा हो गई, सिंपल ट्राइएज और रैपिड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कैन बी यूज टू कैटेगरीज क्लाइंट्स, ठीक है। और इनको क्या कैटेगरी में क्या बांटा गया है। ट्राई एच के अंदर सबसे पहला कलर होता है रेड, ठीक है। रेड कलर का जो होता है उसके अंदर कौन से पेशेंट आएंगे, द क्रिटिकली इल क्लाइंट्स हु नीड्स इमीडिएट केयर। ऐसे पेशेंट जो क्या है, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो, जिनको इमीडिएट केयर की जरूरत है, वो क्या है, रेड कलर के अंदर इंक्लूड होंगे। गंभीर रूप से बीमार रोगी जिन्हें तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पेशेंट जो इमीडिएट केयर चाहिए, उन पेशेंटों को हम क्या है, रेड कलर का जो कोड है, ठीक है, कैटेगरी है, उसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ट्राई एज के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट कलर रेड। नेक्स्ट होता है येलो। रोगी तत्काल खतरे में नहीं है लेकिन देखभाल उपचार की आवश्यकता है। ऐसे क्लाइंट्स, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिसको क्या देखभाल की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता है, लेकिन उसको इमीडिएट केयर की जरूरत नहीं है। क्लाइंट्स इज नॉट इन इमीडिएट डेंजर बट रिक्वायर केयर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये था इसका येलो कलर का फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, घायल रोगी जिसकी चिकित्सा देखभाल में देरी हो सकती है, यानी कि ऐसे क्लाइंट्स जिसकी जो केयर्स है उसके अंदर लेट भी हो जाए, डिले भी हो जाए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इंजर्ड क्लाइंट्स हुज मेडिकल केयर नीड्स कैन बी डिले, ठीक है। तो इसके अंदर येलो कलर के अंदर कोई भी पेशेंट है, उसका जो मेडिकल केयर है, ठीक है, वो भी डिले हो जाए तो भी कोई बात नहीं। तो ये था हमारा सेकेंड कलर येलो, ठीक है, ट्राई एच के अंदर। नेक्स्ट जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। रोगी जो अपनी चोटों की देखभाल स्वयं कर सकता है, ठीक है। क्लाइंट्स हु कैन एमुलेट एंड केयर ऑफ देयर ओन इंजर्ड्स, यानी ग्रीन कलर के जो कैटेगरी है ट्राई एच के अंदर, उसमें ऐसे पेशेंट रखेंगे जो अपनी खुद की केयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो पॉइंट है, जिन रोगियों के इलाज में गंभीर चोटों का इलाज होने तक देरी हो सकती है, यानी कि क्लाइंट्स हुज ट्रीटमेंट कैन बी डिले अंटिल क्रिटिकल इंजरीज हैव बीन ट्रीटेड, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया, किसके अंदर, ग्रीन के अंदर। तो ये था हमारा थर्ड कलर ग्रीन। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो कलर था, जिसके अंदर हम कौन से क्लाइंट्स रखेंगे, क्लाइंट्स विद सीवियर इंजरीज हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई, यानी कि गंभीर रूप से घायल मरीज जिसकी मौत होने की आशंका है, ऐसे पेशेंट को हम क्या है, ब्लैक कलर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जो डाई होने वाले जो पेशेंट है या फिर डाई हो चुके हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर होने वाली, उस पेशेंट को क्या है, हम ब्लैक कलर की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये क्या है, चार जो कलर रखे गए हैं, रेड कलर, इसके बाद ब्लैक कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। तो हमको याद रखना है, रेड कलर के अंदर क्या है, क्रिटिकल जो क्लाइंट्स होंगे उनको रखेंगे, ठीक है, जिनको इमीडिएट केयर की जरूरत होगी, उन पेशेंट को रेड कलर में रखेंगे। इसके बाद येलो एंड ग्रीन कलर में ऐसे पेशेंट जिनको इमीडिएट केयर की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जो केयर में डिले हो तो भी कोई बात नहीं। एंड लास्ट वन ब्लैक कलर, जिसके अंदर क्या है, जो डेथ होने वाले जो पेशेंट है या फिर डेथ हो चुके हैं, उन पेशेंटों को अंदर रखते हैं ब्लैक कलर की कैटेगरी के अंदर। तो ये था ट्राई एच सिस्टम के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।